हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप के अच्छे से होंगे। आज मेरा जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है सीधा नीचे से। तो मैं एक्चुअली वॉक करने के लिए आई थी और मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी शुरू करती हूँ। अनवित को मैं भी ऊपर ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि उसको मैंने बोला है कि आप 20 मिनट्स बाद नीचे भेज देना। तो थोड़ा टाइम अभी मैं अकेले वॉक करूँगी, फिर उसको मैं मतलब बुलाऊँगी नीचे, वरना मेरा वॉक हो नहीं पाता और उसके साथ ही फिर लगे रहना पड़ता है। और अभी मैं एक्चुअली आज बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि अनवित को जो मेरे हाथ का पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बोल भी रहा था पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं 2 टाइम्स अपने आप से बना चुकी हूँ, यहाँ पे नहीं ग्लासगो में जब मैं थी, और वो सॉस बनके बहुत अच्छे तैयार होती है। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। तो उसको बना के रख के आई हूँ सॉस को, क्योंकि जब तक मैं ऊपर जाऊँगी तब तक सॉस थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी और फिर मैं उसको पिज़्ज़ा बेस पे लगा के बेक करूँगी। तो जब तक मैं वॉक करती हूँ और तब तक आप देखिए मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल मेरा गरम हो गया है, इसमें मैंने लिया है जिंजर और गार्लिक। तो इसमें मैंने गार्लिक बहुत अच्छे से लिया है क्योंकि पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस में गार्लिक का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसमें मैंने गार्लिक लिया है। और इनको मैं बहुत अच्छे से रोस्ट करूँगी क्योंकि इनमें जो स्मोकी फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा होता है। तो मॉरिसन में एक सॉस मिलती थी जो स्मोकी फ्लेवर की होती थी, पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस मैं यूजली वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, बहुत अच्छा टेस्ट आता था। तो वही कुछ कुछ मैं मतलब ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ, इसमें स्मोकी फ्लेवर देना चाह रही हूँ। तो उसको मैं काफ़ी अच्छे से रोस्ट करूँगी जब इनका एकदम कलर डार्क ब्राउन टाइप हो जाएगा तब तक। और इनको अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसमें मैं डालूँगी मेरा 1 chopped अनियन। तो अनियन को मैं बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अनियन के मुझे थोड़ा सा चंक्स ही चाहिए और पिज़्ज़ा सॉस में चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं मतलब अपना जो अनियन है वो रोस्ट करूंगी। यहाँ पे आप गार्लिक का कलर देखिए कितना अच्छा हुआ है, बस यही कलर मुझे चाहिए था। और उसमें मैंने डाला है ये ओरिगैनो। तो बेसिकली ये पिज्जा सीजनिंग है जो डोमिनोज के पिज्जा के साथ आती है, क्योंकि मेरा जो ओरिगैनो है, मेरे जो मिक्स हर्ब्स हैं वो भी फिनिश हो गए हैं, तो ये संभाल के रखे हुए थे, आज काम भी आ गए। तो इसके 2 पैकेट मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो एकदम जो मार्केट वाला फ्लेवर है ना वैसा कुछ कुछ आएगा इसमें। तो और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 6 टोमेटोज जो मैंने मतलब बॉयल कर रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि इस सॉस को मैं मिक्सी में चर्न नहीं करूँगी, इसको मुझे थोड़ा सा कोर्स ही चाहिए क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं होता है, कोर्सली होती है अगर आप मार्केट में कभी पिज़्ज़ा बनाने का प्रोसेस देखेंगे तो। और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा बीटरूट, ये जो सॉस का कलर है वो एकदम एनहांस कर देगा और बहुत ही अच्छा लगता है। ये बेसिकली मेरा वर्जन है, मैंने किसी और को नहीं देखा है पिज़्ज़ा सॉस में ऐसे बीटरूट ऐड करते हुए, लेकिन मैं ऐड करती हूँ, इससे कलर भी एनहांस हो जाता है। टेस्ट में तो उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीटरूट का उतना ज़्यादा कुछ अच्छा टेस्ट नहीं होता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से मसाले, मसाले में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो बेसिकली मेरा जो सॉस है वो थोड़ा सा देसी स्टाइल है और हम हैं भी देसी, तो हमारे जो टेस्ट बड़े हैं वो वैसे ही हैं, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा जो गरम मसाला है वो ऐड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर और थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए। तो आप इसमें मतलब ये इंग्रेडिएंट डाल के देखिएगा, आपको मतलब पिज़्ज़ा सॉस में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और टोमेटो क्योंकि मेरे बॉयल्ड हैं, इनको मुझे बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, तो इनको मैं पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करूँगी मसाले के साथ और बस उतना ही, और फिर इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी और फ्लेम को करूँगी टर्न ऑफ। तो आपको मैश करना है इनको मिक्सी में, चर्न नहीं करना है क्योंकि जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा खोच पोच हो जाएगा अगर आप मिक्सी में इनको चर्न करेंगे तो। तो इसीलिए मिक्सी में मत कीजिएगा, पोटैटो मैशर से ही मैश करिएगा, तो हर चीज़ का जो टेस्ट है वो अपना बराबर बना रहेगा। आप सॉस का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए डाली है केचप, तो केचप से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसमें मैंने थोड़े से बहुत थोड़े से डाले थे शुगर के दाने, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है।
उसको अप टू 15 डेज तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और आप ये वाली सॉस पिज्ज़ा और पास्ता दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और रियली बहुत टेस्टी बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। आई होप कि आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई होगी, और अभी मुझे वॉक करते करते 30 मिनट हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि आपको मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। और हमारी सोसाइटी में ऐसे पीछे की साइड ना बहुत सारे गमले रखे हुए हैं जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे ऐसे वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ करी पत्ता के पौधे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपका करी पत्ता का पेड़ कहाँ पे है, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा जो करी पत्ता का पौधा है वो कहाँ पे है। यहाँ पे सोसाइटी के भी दो करी पत्ते के पौधे हैं, और हमारा वाला जो है उस पर कम करी पत्ते आए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला करी पत्ता का पौधा तो हमारा है, क्योंकि इस पर जब भी करी पत्ते आते हैं तो कोई ना कोई ऐसे मतलब तोड़ के ले जाता है, तो अभी ये नन्हे नन्हे से मतलब पौधे नन्हे नन्हे से पत्ते आ रहे हैं, और जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनका टेस्ट फिर अच्छा आता है एकदम फ्रेश। तो ये है हमारा पौधा, और ये वाला है सोसाइटी का, ये भी बहुत टाइम से यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये इतना ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा झाड़ नहीं हुआ, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आता है, क्योंकि करी पत्ते की ना बहुत सारी क्वालिटी होती है। ये छुपा हुआ, अभी मैं अपनी पार्किंग में आके बैठ गई हूँ, सौरभ को भी फ़ोन कर दिया है कि अनमित को नीचे छोड़ के चले जाओ। आज का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा विंडी है, और आज मैंने सुबह से ही अपना ये वाला शर्ट पहना है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है आज, ऐसा लग रहा है कि ग्लासगो जैसा वेदर हो रहा है, क्योंकि ग्लासगो जैसा तो ठंडा नहीं है लेकिन पुणे के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडा है। बेसिकली मुझे अपना जो विलन श्रग है ना वो मतलब रास आ रहा है, तो इतना ठंडा तो है। और ये वाला जो श्रग है वो मैंने लिया था एम्स्टरडैम से लिया था, एम्स्टरडैम के प्राइमार्क से, वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, और ऐसे मैंने सौरभ को बोला कि मैं प्राइमार्क का चक्कर लगा के आती हूँ, तो प्राइमार्क बहुत अच्छा स्टोर था, वहाँ पे ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती थी, जैसे एक्सेसरीज और ये सब चीज़ें मैं बहुत लेती थी। तो सर उन्होंने बोला कि तुम बाज नहीं आओगे यहाँ के प्राइमार्क जाने से, तो मैंने कहा नहीं। वहाँ पे गए तो मुझे ये वाला शर्क पसंद आ गया, और इस टाइप का जो शर्क था ना वो मुझे चाहिए ही था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी, लॉन्ग था, वुलन था, और इसका कलर बहुत बहुत अच्छा था। पुणे आने के बाद ये मैंने 2 times यूज़ कर लिया, काशिद में पहना और आज निकला वापस मेरा काशिद के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पहनने का। और उसके बाद मैंने दिल्ली में भी पहना था, वहाँ के ठंड के लिए भी परफेक्ट था, अब तो खैर दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडा है, शायद दिल्ली की ठंडी यहाँ पे आ रही है। तो बस अभी अनवित भी आ गया है, क्योंकि सौरभ उसको लेके आ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर और बनाएंगे अपना यम्मी सा पिज़्ज़ा। आएगा नीचे अनवित, अनवित वेट। इस बार मैंने वेजिटेबल्स को थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दिया था, मैंने इसमें ऑयल डाला है, इसमें मैंने ऑरेगानो डाला है, इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, और सॉल्ट मैंने नहीं डाला था, क्योंकि अगर सॉल्ट डालते तो पानी छोड़ देता, क्योंकि इसमें अनियन है, तो सॉल्ट मैं अभी ऐड करूँगी। और वेजिटेबल्स में मैंने लिया है मशरूम्स, कैप्सिकम और अनियन, तो यही लिया है, आप अपने चॉइस की ले सकते हैं। और मैरिनेट करके रियली बहुत अच्छा टेस्ट आया था, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इससे पहले मैंने कभी वेजिटेबल्स को मैरिनेट नहीं किया था। पिज्जा मिलेगा अगर वेट करेगा तो, अगर वेट नहीं करेगा फिर पिज्जा नहीं मिलेगा। अनवित को बिल्कुल वेट नहीं होता जब पिज्ज़ा बनता है, तो यहीं पर ही जम के खड़ा होता है, वो डिस्टर्ब भी करता है, तो उसको कभी कभी थोड़ा सा लाउडली भी बात करना पड़ता है। और यहाँ पे बस मैंने ऐसे पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर दिया है, उस पर मैं अपने वेजिटेबल्स लगाऊंगी, और उसमें ऐड करूंगी मैं अमूल चीज़, क्योंकि बहुत लोगों ने जब मैंने लास्ट टाइम पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी, बहुत लोगों ने पूछा था कि मैंने कौन सा चीज़ यूज़ किया है, ये मैंने रिलायंस से लिया है, अमूल का चीज़ है, मोज़रेला चीज़, तो वही यूज़ करती हूँ मैं, और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, तो आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। तो बस मेरा जो ओल्ड तंदूर है उसी में ही मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी, तो आप मेरी तंदूर की हालत देखेंगे तो काफ़ी मतलब ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं मतलब अभी ओटीजी लेने का सोच रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों में से अगर किसी के पास ओटीजी है तो मुझे सजेस्ट करिएगा आप लोगों के पास कौन सा ओटीजी है और कौन सा अच्छा है अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो।
आप लोगों के जो रिकमेंडेशन है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पिज़्ज़ा रख दिया है और यहाँ पे देखिए कुछ टाइम बाद मेरा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। इस ओवन में चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा मैंने देखा है थोड़ा सा बर्न हो रही हैं, तो आप पिज़्ज़ा का साइड देखिएगा तो थोड़ा सा बर्न हुआ है, तो बस मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये लग रहा है। Enjoying? बढ़िया। बढ़िया? यम यम? फाइनली अभी मेरा सब काम खत्म हो गया है, पिज्जा वगैरह सब हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद रूम में आई, अनवित का थोड़ा नाइट रूटीन किया, उसको बुक रीड कराती हूँ, रात में थोड़ा सा वो किया। फाइनली अभी वो सो गया है, मैंने भी अपना नाइट रूटीन किया, ब्रश वगैरह किया, स्किन वगैरह थोड़ा क्लीन किया, अब आके बैठी हूँ तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। अभी व्लॉग अपलोडिंग पे लगाया है, कल आज कोई व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि कल मन नहीं था मेरा कुछ करने का। एडिट मैंने कर दिया था लेकिन थक गई थी तो इसीलिए पोस्ट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि आज इसको पोस्ट कर देती हूँ, मतलब कल आएगा ये वाला व्लॉग सैटरडे को। और इस समय आते आते तक ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो अनवित जब सो जाता है ना और जब नेक्स्ट डे ऑफ होता है ऐसे यूजुअली वीकेंड पे, तो मैं क्या करती हूँ किशोर कुमार के बहुत ही लाइट म्यूज़िक लगा लेती हूँ और या तो कुछ पेंट कर लेती हूँ या फिर नेल आर्ट वगैरह कर लेती हूँ, नेल पेंट लगा लेती हूँ। उससे क्या ना माइंड बहुत ज़्यादा सूद हो जाता है, क्योंकि कलर्स करना अपने आप में ही एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है, तो मुझे ये वाला मेडिटेशन बेस्ट लगता है क्योंकि मैं कितने भी कलर से प्ले कर सकती हूँ। मुझे अगर कोई रंगोली बना रहा है तो उसको मैं कितनी भी देर देख सकती हूँ, कोई पेंटिंग कर रहा है उसको मैं कितनी भी देर देख सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड को सूद करता है। तो बस यही अभी वही नेल आर्ट ही करूँगी और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे नेल आर्ट करती हूँ, लेकिन बस इसके बाद मैं कुछ बात नहीं करूँगी, एक लाइट सा म्यूज़िक लगाऊँगी और नेल आर्ट करते जाऊँगी। अगर आप लोगों को कुछ लोगों को देखना है कि मैं नेल आर्ट कैसे करती हूँ तो वो प्रोसीजर मैं सब शेयर कर दूँगी इस वीडियो के एंड तक, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आप लोगों को यहीं पर ही बोलूँगी बाय बाय, क्योंकि अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, एक तो व्लॉग भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ बातें करने का मन नहीं है, बस अभी लाइट सा म्यूज़िक ही सुनूंगी और नेल आर्ट करूँगी। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया है, मेरी जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है अगर आप ट्राई करें और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। और हाँ, अगर आप मेरे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ट्राई करें उसकी पिक्चर क्लिक करके मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर देखिए आप मेरी नेल आर्ट अगर देखना चाहते हैं तो बाय बाय।